42 साल बाद प्रेमी को अस्पताल में देख रो पड़ी महिला। न्याय घर रचाई शादी। शादी के लिए महिला के घर वाले तैयार नहीं थे क्योंकि शख्स अश्वेत था। महिला की मां ने अंतरजातीय संबंधों और शख्स के अश्वेत होने का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब 4 दशक बाद वे फिर से मिल गए हैं। उन्होंने शादी भी रचा ली है। उनकी लव स्टोरी इमोशनल कर देने वाली है। सोशल मीडिया पर एक कपल की लव स्टोरी वायरल हो रही है। वे 42 साल पहले बिछड़ गए थे, अब 4 दशक बाद उन्होंने शादी रचाई है। उनकी पहली मुलाकात 1971 में कॉलेज के दिनों में हुई थी। शादी से पहले उन्होंने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया था। अमेरिकी मैगजीन पीपल के मुताबिक कपल का नाम स्टीफन वॉट्स और जीन वॉट्स है। वे अमेरिका के रहने वाले हैं। जीन अभी 69 साल की हो चुकी है, जबकि स्टीफन 73 साल के हैं। कॉलेज के दिनों में जीन की स्टीफन से मुलाकात हुई थी। चंद मुलाकातों के बाद उनकी दोस्ती हो गई। जीन ने स्टीफन को अपना पहला और सच्चा प्यार बताया, लेकिन उस वक्त शादी के लिए जीन के घर वाले तैयार नहीं थे क्योंकि स्टीफन अश्वेत थे। जीन की मां ने अंतरजातीय संबंधों का पुरजोर विरोध किया और शादी कराने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से दोनों को गहरा झटका लगा। हालांकि जीन और स्टीफन ने मिलना बंद नहीं किया। उन्होंने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जब उनकी नौकरी लगी और वे अलग अलग शहरों में शिफ्ट हुए तो रिश्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया। एक दिन जीन ने फोन कर स्टीफन से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। जीन की मजबूरी को समझते हुए स्टीफन ने भारी मन से अलग होने का फैसला कर लिया। अगले 4 दशक तक वे अलग अलग रहे और एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसे हुई 4 दशक बाद मुलाकात, लेकिन 2021 में उनके जीवन में मोड़ आया। तब तक जीन का अपने पति से तलाक हो चुका था। वो अकेली रह रही थी। इसी बीच उन्हें स्टीफन का पता मिल गया। वो उनसे मिलने शिकागो पहुंची तो देखा स्टीफन अस्पताल में भर्ती है। जीन को देखते ही स्टीफन भावुक हो गए। वहीं जीन रोने लगी। बाद में जीन स्टीफन को अपने घर ले आई। स्टीफन का कोई बच्चा नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद से वो व्हीलचेयर पर हैं। हाल ही में जीन ने अपने बचपन के प्यार स्टीफन से शादी रचा ली। जी ने कहा, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो मेरा दिल है, आत्मा है। फिलहाल कपल एक ही घर में हंसी खुशी रह रहा है। yeah!